नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों का चेहरा देखने को मिला है। जहां पे अगर बात करें तो ताज़ा मामला पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के खेतान सुपर मार्केट के बिरला मंदिर इलाके का है, जहाँ पर ताबड़तोड़ करीबन 10 से 15 फायरिंग अपराधियों, बाइक सवार अपराधियों ने की है और उसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। आप साफ तौर पर नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ स्थानीय लोगों ने इसके विरोध में आकर सड़क को जाम कर दिया है और तमाम पीरबहोर थाने के पुलिसकर्मी यहां पहुंच चुके हैं और मामले की तहकीकात में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि ये जो अपराधी थे, बेखौफ अपराधी थे, वो दो बाइक पर सवार होकर यहां पहुंचे थे और लगातार अगर बात करें तो बैक टू बैक उन्होंने 10 से 15 राउंड फायरिंग किया है, जिसके बाद यहाँ पर पूर्व पार्षद के भाई अनिल यादव गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों में खौफ का पूरा मंजर बना हुआ है। वहीं स्थानीय लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और तमाम जितने भी पुलिसकर्मी हैं यहाँ पे मामले की तहकीकात में जुट गई है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से यहाँ दिन दहाड़े अपराधी और तड़के सुबह अपराधी बेखौफ नज़र आ रहे हैं और लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वहीं ताबड़तोड़ फायरिंग करके एक बार फिर से पुलिस को कड़ी चुनौती दी है। हम सीधे बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से और क्या कुछ मामला है इन्हीं से समझते हैं क्या हुआ था पूरा। देखिए, हम खुद वार्ड पार्षद हैं, वार्ड 39 के हैं, और हमारे फ़ोन करने के बाद भी थाना को आने में लग गया 1.5 घंटा, जबकि थाना यहाँ से एक कदम की दूरी पर है। पटना से SP को कम से कम 10 बार कॉल किया होगा, कॉल तो ट्रांसफ़र किया गया है, वहाँ भी कंप्लेन किए हैं, लेकिन प्रशासन में पहुँचने में अगर 1 घंटा लग रहा है तो बहुत दुखद बात है। बीच मार्केट है, बीच शहर में इतना बड़ा घटना हो जाना, वो भी 9mm का गोली चलाया गया है, 15 से 20 गोली मारा गया है, 10 खोखा प्रशासन के हाथ में है। क्या जिंदा गोली भी बरामद हुआ है? जिंदा गोली कम से कम 10 प्रशासन के हाथ में है, 10 गोली उनके हाथ में है। ताबड़तोड़ अगर बात करें तो फायरिंग हुई है और तड़के सुबह की यह घटना है। कितने अपराधी थे, किस चीज़ से आए थे यहाँ? 4 लोग थे, 2 बाइक से आए थे, 1 गोली ये बाएँ हाथ में लगा हुआ, उंगली में लगा है। नाम क्या है जो घायल है? जो घायल है मेरे भाई अनिल यादव नाम हुआ उनका। आप क्या हैं? हम वार्ड पार्षद हैं यहाँ के। तो जिस तरह से अगर बात करें तो यहाँ पे वार्ड पार्षद भी अब सुरक्षित नहीं है, उनके परिवार भी सुरक्षित नहीं है और लगातार अपराधी पुलिस को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि घटना के बाद लगभग 1 घंटे के बाद यहाँ पुलिस पहुँचती है और मामले की तहकीकात करती है। वहीं खोखा चुनकर पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गया। सर क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था? गोली चली है यहाँ? चलिए, सुन तो रहे। कितने राउंड? देखा जा रहा है, पता। खोखा बरामद किया आपने? खोखा मैंने बरामद किया। चाय पीने के लिए 2 बाइक से 4 लड़का आया, पिस्टल निकाला और मोबाइल फेंक के मारे, दौड़ के भागने लगे। मतलब अनाधुन लगता है कि 11-12 राउंड गोली चलाया, इसमें 1 गोली मेरे हाथ में लगा, बाकी जिधर किधर सब लगा। कहाँ लगा? हाथ में। कितना लोग था वो लोग? 2 बाइक से 4 लड़का। 2 बाइक से 4 लड़का कौन था, कुछ पता चला क्यों ऐसा किया? कैमरा खुल रहा है, सब दिख जाएगा। क्या विवाद था पहले से? नहीं, हमको तो ऐसा कोई विवाद है नहीं। क्या नाम हुआ आपका? ये होगा कि आखिरकार राजधानी में कितने स्थानीय लोग सुरक्षित और अपराधी कितने बेलगाम हो रहे हैं, इस पर कब तक प्रशासन लगाम लगा पाती है, ये देखने की बात होगी। हालांकि अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन राज की बातें करते हैं, बावजूद इसके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजधानी में अपराधी एक बार फिर से बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।